Morning all of you. कैसे हैं आप सब आईओ के सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे जैसा कि आप लोगों को जो आपके प्रीवियस क्वेश्चंस की वीडियो थी उसमें कुछ स्टूडेंट का आपका कैरी था कि मैम क्वेश्चन आप बोलती है आंसर सही जगह टिक नहीं करती तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ऐसी अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम थी रिकॉर्डर में जिसकी वजह से ऐसा इशू आ रहा था चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में हम बात करेंगे फिफ्टी क्वेश्चन के मिक्सअप क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई जल्दी से कर दो चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक प्रचुर है ठीक है इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है आर्गन ठीक है आर्गन बिल्कुल करेक्ट आंसर है जिसका सिंबल होता है ए आर और आप लोग मुझे बताइए नंबर क्या होगा ठीक है क्वेश्चन नंबर सेकेंड चंद्रमा की सतह पर निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं देखी जा सकती है देखिए चंद्रमा की सतह की बात कर रहा है कि वहाँ पे हम लोग कौन सी घटना नहीं देखते हैं सूर्य की स्थापना और स्थापना या सूर्य या धूम क्रेतु का मोशन या तारों का टिमटिमाना तो आपका जो सही आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है डी तारों का टिमटिमाना चंद्रमा की सतह पर आप तारों का टिमटिमाना नहीं देख सकते हो क्वेश्चन नंबर थर्ड बंदूक धातु के अवयव निम्नलिखित में से कौन है ठीक है बंदूक धातु के पूछा गया है कि अवयव निम्नलिखित में से कौन है तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है कॉपर और टिन क्वेश्चन नंबर किस गैस गैस को ग्रीन गैस के रूप में नहीं जाना जाता है ग्रीन गैस कौन कौन से होता है सबको पता है लेकिन यहाँ पे पूछा है नहीं जाना जाता है तो आपका सही आंसर है हाइड्रोजन ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है मेथेन नाइट्रस कार्बन डाइऑक्साइड ये तीनों आपका आपका ग्रीन गैस माना जाता है हाइड्रोजन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव है पीतल हवा में विलुप्त हो जाता है क्योंकि निम्नलिखित में से किस गैस की उपस्थिति हवा में है तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है हाइड्रोजन सल्फाइड क्वेश्चन नंबर सिक्स क्लोरोफिल एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कैलिड यौगिक है जिसमें केंद्रीय धातु है तामा मैग्नीशियम लोहा या कैल्शियम तो आपका आंसर है ऑप्शन बी मैग्नीशियम मैग्नीशियम की अगर बात करें तो एम होता है जिसका एटोमिक नंबर आपका होगा ट्वेल्व ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन एनोफिलीज मच्छर किस जाति के अंतर्गत आता है सभी को पता है कॉमन सा नाम है एनोफिलीज मच्छर के बारे में बात कर रहा है तो ये किस जाति के अंतर्गत आता है तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी आर्थोपोडा ठीक है क्वेश्चन नंबर एट कौन सा सूक्ष्म जीव रोग दिप्तिथीरिया रोहड़ी का कारण बनता है अब आपको बताना है भाई आपने नाम सुना है आपने इसका नाम बहुत अच्छे से सुना होगा डिप्टी ठीक है डिपथिर का नाम अच्छे से आपने सुना होगा जिसको रोहिणी के नाम से भी जानते हैं तो ये किसका कारण बनता है तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए जीवाणु मतलब कि बैक्टीरिया फिर से मैं बात करूँ बैक्टीरिया का डिस्कवर किसने किया था आप बताइए मुझे कमेंट करके क्योंकि मैं हर बार आपको बैक्टीरिया से अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसका जवाब जरूर देती हूँ बैक्टीरिया के किसने की थी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा वायरस की स्टडी कहां पे हुई थी वायरोलॉजी में की गई थी जिसका डिस्कवर इवानोवस्की ने तंबाकू की पत्ती पे किया था कवक के बारे में अगर बात करें फंगस इसके डिस्कवर्ड आप को बताना है माइकेली ने ठीक है और कवक की स्टडी कहां पे की जाती है तो माइकोलॉजी में तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करें रक्त समूह की खोज करने वाला पहला व्यक्ति कौन है देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट है कारलैंड स्टीनर होगा इसका आंसर जिसने रक्त की खोज की थी ठीक है और अगर हम बात करें ब्लड की स्टडी कहां पे की जाती है तो हिमाटोलॉजी में की जाती है ब्लड का जो पी वैल्यू होता है सेवन पॉइंट फोर होता है ठीक है और अगर हम बात करें ब्लड में हमारे बॉडी में ब्लड कितना होता है तो अगर मेल की बात की जाए तो पाँच से छः लीटर और फीमेल की बात की जाए तो चार से पाँच लीटर आपका ब्लड पाया जाता है हमारा ब्लड रेड क्यों होता है तो आपको बताना है हीमोग्लोबिन के कारण क्वेश्चन नंबर टेन दिल के बाएँ और दाएं आधे हिस्से को अलग करने वाली दीवार का क्या नाम है वेरी इंपॉर्टेंट है आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन देखिए जिसका आंसर हो, होगा आपका ए पट ठीक है दिल के बाएं और दाएं आधे हिस्से को अलग करने वाली जो दीवार होती है उसे पट के नाम से जाना जाता है क्वेश्चन नंबर इलेवन दिल का डैश टोलिक दबाव क्या होता है मतलब कितना होता है आपको यह बताना है तो अगर हम बात करते हैं इसके बारे में तो एट्टी एम mm आपका होगा एच ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व लेटिकल्स पौधे के किस भाग में मौजूद होता है लेटिकल्स की बात कर रहा है तो आप सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर कि मैम तना ही आंसर होगा क्योंकि ये सारी चीजें आपके किस में होती है तना में पाई जाती है क्वेश्चन नंबर थर्टीन मनुष्यों में अवयु अवै एनारोबिक श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है तो आपको तो तुरंत आंसर लगा देना होगा बिल्कुल लगा दोगे अगर जो बच्चे रेस्प्रेशन टॉपिक अच्छे से पढ़े हैं तुरंत लगा देंगे तो थर्टीन का आंसर होगा ऑप्शन ए होगा लैक्टिक एसिड क्वेश्चन नंबर कौन सा जीव एकाधिक विखंडन की प्रक्रिया से गुजरता है तो कहोगे मैम लगा दीजिए पक्का ईश लगा दीजिए क्या यही आंसर है आपका तो ऑप्शन फोर्टीन का ऑप्शन डी है प्लाज्मोडियम ठीक है कौन सा जीव एकाधिक विखंडन की प्रक्रिया से गुजर होगा इसका आंसर ठीक है क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं फिफ्टीन की पौधों का मादा प्रजनन हिस्सा कौन सा है देखिए पौधों का मादा प्रजनन की बात कर रहा है इसका हिस्सा कौन सा है तो आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा अंडप ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन सेंट्रोसोम किस कोशिका में मौजूद होते हैं ठीक है आपको आंसर बताना है सिक्सटीन का तो पशु सेल में एनिमल सेल्स में आपका क्या प्रेजेंट होता है सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं सेवनटीन जीव विज्ञान शब्द बताने वाला पहला व्यक्ति कौन है बस

परमाणुओं तो में समान संख्या में परमाणु और वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है क्वेश्चन को रिपीट वे कर रही हूँ ध्यान से समझिएगा कह रहा है कि जिन अणुओं में समान संख्या में परमाणु हो और वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं तो आप क्या कहोगे मैं आइसोटर्स आई, क्या कहेंगे आइसोटर्स के नाम से इसे हम जानेंगे तो 19 का आपका आंसर है डी क्वेश्चन नंबर 20 किस प्रकार के रसायनों में एफ्लो सॉरी एफ्लोरेसेंस देखा जाता है एफ्लोरेसेंस की अगर बात की जाए यहां पे तो आपका सही आंसर है लवण में बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन मादक पेयजल मादक पेय पदार्थों में अल्कोहल शब्द किस रसायन का उल्लेख करता है देखिए यहाँ पे अल्कोहल की बात कर रहा है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए ऑप्शन सी होना चाहिए एथे नॉल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू किस हाइड्रोकार्बन में गंध नहीं होती है तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है ऑलिफेटिक हाइड्रोजन तो इसका सही आंसर आपको पता चल गया ट्वेंटी टू का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है किस हाइड्रोकार्बन में गंध नहीं होते ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है यदि आपका तरल पदार्थ है कोई ठीक है और उसका घनत्व तो अगर हम कम कर देते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है तेज़ हो जाता है उसकी एनर्जी कम हो जाती है ये कम हो जाता है ये दूरी बढ़ जाती है तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी कम हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है ट्वेंटी फोर का ऑप्शन ए चुंबकीय क्षेत्र का क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव ताप उपक्रम होता, होता है क्या होता है भाई धनात्मक हॉश पर ऋणात्मक हॉस पर तटस्थ पर या इनमें से कोई नहीं तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए धनात्मक हॉश पर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स निम्नलिखित में से एक प्रकाश का रंग किससे संबंधित है तो आपका जो सही आंसर होगा ट्वेंटी सिक्स का ऑप्शन बी आवृत्ति से ठीक है अगर हम प्रकाश के रंग से बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा आवृत्ति ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन आपका कह रहा है किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का कारण है अगर किसी द्रव की बात यहाँ पे की जाए उसके पृष्ठ तनाव के बारे में तो उसका क्या रीजन हो सकता है क्या कारण हो सकता है तो उसके अड़ुओं के मध्य जो होगा ससंगक बगल लग जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित होती है. तो अगर हम बात करें उस प्रक्रिया के बारे में तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय विखंडन ठीक है क्वेश्चन नंबर यहां पर क्वेश्चन दर्पणों का प्रयोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए कार के हेडलाइट के लिए क्वेश्चन नंबर थर्टी विज्ञान होते हैं देखिए एकाष्टिक विज्ञान के बारे में अगर बात करें तो हम लोग इसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर ध्वनि से संबंधित ठीक है क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं थर्टी वन थर्टी वन की अगर बात की जाए यहाँ पे तो आपका जो सही आंसर है वो होगा प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है देखिए प्रिज्म में जो प्र... प्रिज्म में कितने कलर होते हैं सात कलर होते हैं तो इसका विभा विभिन्न रंगों में जो विभाजन कहलाता है वो क्या कहलाता है ठीक है तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी टू किसका त्वरित करने के लिए प्रयुक्त होता है तो आपका सही आंसर है, है? तो है विखंडन विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं क्या होती है तो आपका जो सही आंसर है एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया है तो हाइड्रोजन बम की बात जब हम लोग बात करते हैं तो हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया है तो एडवर्ड टेलर ने किया है तो आप सभी को इसका आंसर मालूम है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है किस में जाता है आपको बताना है कि जब हीरे के कांच में जाता है तो तब क्या होता है आंतरिक परिवर्तन होता है क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन की धातु की प्राकृति होती है कैसी होती है धातु की प्राकृति तो आपको बताना है मैं विद्युत धनात्मक होती है क्वेश्चन नंबर थर्टी एट हिलियम के नाभिक में होता है हिलियम के नाभिक में क्या होता है भाई तो आपका आंसर क्या होने वाला है मैम दो प्रोटॉन होते हैं और दो न्यूट्रॉन होते हैं ठीक है इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन भौतिक में चतुर्थ आयाम का परिचय दीजिए अब देखिए चतुर्थ आयाम की परिचय के बारे में बात करें यह बात किसने किया कहा था तो आपका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी आइंस्टीन ने ठीक है आइंस्टीन ने बताया कि भौतिक में चतुर्थ आयाम का परिचय क्वेश्चन नंबर फोर्टी चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है यह तो सबको पता होना चाहिए छोटा सा क्वेश्चन है उत्तर दिशा की ओर क्वेश्चन नंबर फोर्टी पत्तियों को मुख्य होते हैं देखिए का पहला मुख्य कार क्या होता है एक तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दो तो मैं, एक तो कहोगे एक आप लगा दीजिए प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है क्योंकि तो उसमें क्लोरोफिल पाई जाती है जिसके कारण आपकी पत्तियां ग्रीन कलर की होती है और दूसरा होता है मैम वासपोत्सर्जन तो आपका आंसर ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होगा भाई घट जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री फोर्टी थ्री की बात की जाए तो उच्चतम वेधन क्षमता का तरंग क्या होता है गामा किरणें ठीक है तो आपका सही आंसर है डी नंबर बिल्कुल करेक्ट है आइए हम बात करते हैं फोर्टी फोर की प्राथमिक रंग कौन सा होता है सबको पता है लाल हरा और नीला आपका प्राथमिक रंग कहलाता है फोर्टी फाइव लेसर बीम का उपयोग होता है देखिए बीम का उपयोग अगर बात की जाए यहाँ पे तो आपके आँख के लिए होता है आँख के चिकित्सक के लिए होता है ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स टमाटर सॉस में पाया जाता है देखो आपने देखा होगा टीवी में एडवरटाइज भी दिखाता है टमाटर सॉस में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टी आइंस्टीन के एक सूत्र है इस क्वल टू एम समीकरण में सी घोतक होता है तो ये किसका है क्या है जल्दी से मुझे कमेंट करो तो मैम आप बता दो कि प्रकाश वेग का होगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट मृदा अपर्दन रोका जा सकता है ठीक है रोका जा सकता है क्या होगा इसका भाई तो कहोगे मैम वन रोपर द्वारा ठीक है वन रोपण द्वारा हम मृदा अपर्दन को रोक सकते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी आ चुके हैं हम लोग और आपको अगर क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन बी होगा छोटा होता है ठीक है क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे ठीक है 450 की बेंजीन की खोज किसने की थी सबको पता है ना बेंजीन का सही सूत्र क्या होता है C6 और एस सिक्स तो बेंजीन की खोज किसने की थी तो आपका जो सही आंसर है 50 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है ब्रूस एम्स ने बेंजीन की खोज की थी तो इस तरीके से आपको 50 क्वेश्चंस बताए गए जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे अगर आपको चैनल पे आपको अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप अभी चैनल पर आए हो नए हो और सोच रहे हो कि रियली really मुझे कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है तो बस ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के चैनल को सब्सक्राइब कर दो देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि नेक्स्ट क्लास आपकी जो होगी वो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है उसमें हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और कल क्या पढ़ेंगे वो आपकी क्लास में आने के बाद पता चलेगा तो इंतज़ार करिए हमारा और हम आपके लिए फिर से एक नए नए क्वेश्चन पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ रहे हैं आपके साथ ऑनलाइन स्टडी के प्लेटफॉर्म पे ओके थैंक यू